दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा जाए। इसी प्रकार ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर की जा रही है और ये वैल्यू जिस एड्रेस में स्टोर है उसको भी प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखी गई है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर आई नाम का वेरिएबल लिया गया है जो इंटीजर टाइप का है और उसमें 10 वैल्यू स्टोर की गई है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है और उसमें लिखा गया है द वैल्यू ऑफ आई इज़ परसेंट डी। इंटीजर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, ये फॉर्मेटेड करेक्टर है तो इसके स्थान पे जो वैल्यू आएगी वो आई से डिस्प्ले हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा है द एड्रेस ऑफ आई इज़, मतलब कि आई मेमोरी में जिस स्थान पर स्टोर है उसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंट यू फॉर्मेटेड करेक्टर का यूज़ किया जाता है। लेकिन वेरिएबल के साथ में एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जब एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया जाए और फॉर्मेटेड करेक्टर परसेंट यू रहे तो ऐसे समय में ये आई नाम का वेरिएबल जिस स्थान पर स्टोर है उसके एड्रेस को प्रिंट करेगा। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बनाकर रन करेंगे तो ये केवल आई की वैल्यू प्रिंट करेगा और मेमोरी में जहाँ पर आई स्टोर है उस एड्रेस को भी प्रिंट करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।